कोरोना वैक्सीन की चपेट में आने वाले पीड़ितों पर इस घातक वायरस के दीर्घकालीन प्रभाव को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार कोरोना संक्रमण के 50 से ज्यादा प्रभावों की पहचान की गई है। इसका असर संक्रमण से उबरने के बाद कुछ हफ्तों से लेकर महीने तक रह सकता है। अमेरिका की ह्यूमन मेथोडिस्ट अस्पताल के शोधकर्ताओं की ओर से जारी की गई इस अध्ययन के अनुसार इस दीर्घकालीन प्रभाव में सबसे आम लक्षण के तौर पर थकान की पहचान की गई है। 58% मामलों में ये लक्षण पाया गया है। इसके बाद सिरदर्द 44%, एकाग्रता में कमी 27%, बाल झड़ना 25%, सांस की समस्या 24%, स्वाद में कमी 23% और सूंघने की क्षमता में गिरावट 21% जैसे लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावा लंबे समय तक रहने वाले दूसरे लक्षणों के तौर पर खांसी, बेचैनी, फेफड़ों का ठीक से काम नहीं करना, नींद की समस्या और हृदय संबंधी कई तरह की दिक्कतों का पता चला है। कानों में आवाज महसूस करना और रात में सोते समय पसीना होना जैसी समस्याओं की भी पहचान की गई है। शोधकर्ताओं ने डिप्रेशन, एंजाइटी और डिमेंशिया जैसे तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षणों का भी पता लगाया है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छपे अध्ययन के मुताबिक ये निष्कर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, मिस्र और मैक्सिको में किए गए हैं। 5 अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। इन अध्ययनों में शामिल किए गए 47,000 से ज्यादा लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया। उन्होंने पाया है कि कोरोना से उबरे 80% वयस्क कम से कम एक लक्षण से लंबे समय तक प्रभावित रहे हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।